हेलो एवरीवन, मैं हूं वजाहत हसन। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स जब हमारे हो जाएंगे तब हम एक Q&A सेशन करेंगे। आपने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया मुझे कि हम लोग 20,000 पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि सपोर्ट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इससे पहले कि मैं सवालों के सिलसिले को शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा प्लान है कि मैं सुनियो को एक रियल लाइफ कैरेक्टर में तब्दील कर दूं, बदल दूं। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि मुझे सुनियो को रियल लाइफ कैरेक्टर में बदलना चाहिए और आपके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स लेकर आने चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए यस के साथ, और मुझे बताइए कि आप क्या क्या कैरेक्टर्स उस एक्ट में चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को एक बार फिर से पढ़ूं, फिर से देखूं और जो कैरेक्टर्स आपने सजेस्ट किए हैं उसको अपने एक्ट में लेने की पूरी कोशिश करूं। दोस्तों, मैं दिल देता हूं आपको, आपको अपना हार्ट देता हूं, हर कमेंट पर कोशिश करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको हार्ट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं, आपके सारे मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को और प्यार देते रहिए। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि मैं इस इंडस्ट्री में आया कैसे, ये बात है सन 2004 की, 2004 की। मेरे एक बहुत ही अच्छे अंकल हुआ करते थे, बहुत क्लोज अंकल हुआ करते थे, जिनका नाम था संजय पांडे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि वजाहत, तू बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं चाहता हूँ कि तू वॉइसिंग और डबिंग की लाइन में भी आ जाए। तो मैंने बोला, अंकल मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, उसकी चिंता तू मत कर, तू बस आ जा ऑडिशन के लिए। और वहीं से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। जो मेरा पहला काम था दोस्तों, वो रेडियो के लिए था और वो एक कमर्शियल स्पॉट था जिसमें मैंने एक बच्चे का कैरेक्टर प्ले किया था, और वो करीब एक घंटे का काम था उस टाइम में, एक घंटा या डेढ़ घंटा शायद मुझे लगा होगा, और मुझे पूरे 1,000 रुपये मिले थे। उस टाइम पर 1,000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी थी सिर्फ 50 रुपये। मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और अब आते हैं डबिंग पर। दोस्तों, डबिंग की शुरुआत मैंने की थी 2005 में। मेरी जो पहली सीरीज़ थी उसका नाम था सोनिक एक्स, जिसके अंदर मैंने सोनिक द हेजहॉग का लीड कैरेक्टर प्ले किया था, आवाज़ दी थी मैंने उस कैरेक्टर को अपनी। और उसका ऑडिशन बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन था किसी एनिमेशन के लिए। बहुत ही मज़ा आया, बट आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं नया था और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि वो शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने उसे क्वालिफाई किया। उस ऑडिशन में मुझसे पहले जो बच्चे खड़े थे वो कुछ सालों से डबिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, उनको देखा। जो पायलट ट्रैक था, जो ओरिजिनल ट्रैक था सोनिक एक्स का, उसको फॉलो किया और डायलॉग्स को डिलीवर करने की कोशिश की, जो कि अच्छा भी रहा, लेकिन मेरे हिसाब से आई वॉज़ नॉट सैटिस्फाइड। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ होती है ना, वो कैरेक्टर के ऊपर अगर अच्छी हो जाए और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना भी हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ जो होती है वो कैरेक्टर के साथ जेलअप हो जाती है। और अब बात करते हैं डोरेमोन की। डोरेमोन का जो दोस्तों फर्स्ट सीज़न था, उसमें मेरी आवाज़ नहीं थी, उसमें किसी और की आवाज़ थी। लेकिन वो जो बच्चा था, हम सब स्कूल जाते थे उस टाइम पर, वो अपने स्कूल के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था शायद, आई एम नॉट 100% श्योर। उसके बाद वो कैरेक्टर जो है उसका ऑडिशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने फिर से ऑडिशन दिया, और उसके बाद वो कैरेक्टर फाइनली सुनियो का मुझे मिला। तो इस तरह से सुनियो का कैरेक्टर मुझे मिला अगेन इन द ईयर 2005। 2005 से मैं डोरेमोन अभी तक कर रहा हूँ। अगला सवाल जो मुझसे आपने पूछा है वो ये कि मेरी दोस्ती बाकी सारे कैरेक्टर्स को आवाज़ देने वाले लोगों के साथ कैसी थी। दोस्तों, हम लोग का ना सबका अलग अलग स्लॉट होता है। आज भी रिकॉर्ड करते के टाइम में हम लोग साथ में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम लोग अलग अलग वक्त पे हमें बुलाया जाता है और उस वक्त पे हमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर अपने अपने कैरेक्टर को डब करना होता है। तो हमारी जो मुलाकात होती थी वो बहुत कुछ सेकेंड्स के लिए होती थी। जैसे मैं आया हूँ तो मैंने सोनल को ग्रीट किया, हाय, हेलो, हाउ आर यू टाइप्स, ओके, देन वो बाहर आती हैं, वो चली जाती हैं, मैं अंदर जाता हूँ, मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ।
तो हमारा रिलेशन मतलब मोर और लेस सबके साथ एक दूसरे के साथ हमारा ऐसी था। एक वजह तो ये भी थी कि सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे होते थे, हम लोग सब छोटे होते थे, हमारा स्कूल होता था, ट्यूशंस होती थी, और दूसरी बात यार हम लोग छोटे थे तो फ्रेंड सर्कल वगैरह उस टाइम पर इतना नहीं दिमाग में आया कि हमें बैठना चाहिए, यारी दोस्ती करनी चाहिए टाइप्स। अगला सवाल है, मैं सुनियो के बारे में कैसा फील करता हूँ? यार सुनियो एक अमेजिंग कैरेक्टर है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मस्करा फ्लेवर दिया है सीरीज़ में वो सुनियो ने ही दिया है, क्योंकि वो सबसे रईस है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी जाता है और नोबिता को परेशान करना किसी भी सूरत में नहीं भूलता। तो सुनियो का एक अमेजिंग कैरेक्टर है गाइज, और मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत दिल के करीब है सुनियो। अगला सवाल आपने मुझसे पूछा है कि मुझमें और सुनियो में क्या सिमिलैरिटी है। यार मेरे ख्याल से तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि सुनियो बहुत शरारती है और वो परेशान करता है असल में दूसरों को। देखो शरारती तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे और सुनियो के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिखता भी उसकी तरह हूँ, मेरे बाल भी कुछ वैसे हैं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मेरे और उसके बीच में सिमिलैरिटीज़ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई बहुत करोड़ोंपति आदमी नहीं हूँ जैसा कि सुनियो है। अपेरेंटली वो दुनिया का सबसे रईस लड़का है, क्योंकि उसके फादर दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं। तो यस, मैं और सुनियो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। अगला सवाल है, क्या मैं डोरेमोन देखता हूँ? हाँ मैं डोरेमोन देखता हूँ, कभी कभी स्क्रॉल करते में मुझे दिख जाता है डोरेमोन, तो मैं ज़रूर देखता हूँ जब तक मुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ये एपिसोड कौन से ज़माने में डब किया था, कौन से ईयर में डब किया था, मुझे कुछ पता नहीं होता। उसके बाद मैं वंडर करता हूँ यार ये मैंने किया तो था लेकिन मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं होता उसके बारे में। आई एम श्योर कि जितने आर्टिस्ट हैं उनको किसी को याद नहीं होता होगा। अगला सवाल है कि काम करते में मुझे कभी शर्म आई क्या? नहीं यार मुझे शर्म नहीं आई, इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आता था और आज भी मज़ा आता है। लेकिन एक एम्बैरेसिंग सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब मैंने एनिमेशन स्टार्ट किया था तब वी आर सपोज टू लाफ ऑल्सो, जैसे बहुत कनिंगली सुनियो हंसता है कि नोबिता तुम भी कैसी बातें करते हो, हमेशा डोरेमोन से गैजेट ले आते हो। तो हंसने का जो एक सीन होता था उसमें मुझे शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बिना किसी बात के यार बंदा कैसे हंस सकता है। बचपन में नहीं पता थी ये बात कि आर्टिस्ट इज सपोज टू एक्ट, आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने पास अपने फ़ोन में चुटकुले लेकर जाता था, जोक्स लेकर आता था, ताकि मैं नेचुरली हंस पाऊँ। अगला सवाल है, क्या इंडस्ट्री टफ है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक कैरेक्टर को पाने के लिए आपको एक ऑडिशन के दौर से गुजरना होता है और बहुत मुश्किलों से उसके अंदर सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप दसियों आप ऑडिशन देते हैं तब जाके कोई एक कैरेक्टर आपको असाइन किया जाता है। और उस कैरेक्टर के लिए भी बहुत सारी वॉइसेस होती हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को प्रोडक्शन हाउस और चैनल दोनों को पसंद करना ज़रूरी होता है, तभी आपको वो कैरेक्टर मिल पाता है। तो आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगला सवाल है कि अगर मुझे सुनियो की जगह जियान का रोल मिला होता तो क्या होता? यार मेरा तो करियर ही चौपट हो जाता, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ और जियान दुनिया का सबसे बेसुरा आदमी है। तो अगर जियान का भी कैरेक्टर मुझे मिल जाता या जियान का कैरेक्टर मुझे मिला होता सुनियो की जगह, तो मेरा गाने वाला जो काम है उसके ऊपर वो बड़ा असर कर सकता था। तो अच्छा हुआ कि मुझे सुनियो मिला और जियान नहीं मिला। अगला सवाल है कि आर्टिस्ट को क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है? दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि आप कहीं पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर ऑनगोइंग सीरीज़ है और उसका ब्रॉडकास्ट चल रहा है, टेलीकास्ट चल रहा है, तो आप अपनी वेकेशंस पे या फिर अपने घर में फैमिली के किसी काम से आप कहीं नहीं जा सकते, आपको रुकना पड़ेगा। और जब तक वो सीरीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी बात, गला ख़राब होता है, कभी मन नहीं होता, कभी 10 तरह की टेंशन होती है, तो भी आपको काम करना ही पड़ता है। अगला सवाल ये है कि मेरा रिएक्शन कैसा था जब मुझे पता चला कि मुझे सुनियो का कैरेक्टर मिला है? मैं बहुत खुश था दोस्तों, जाहिर सी बात है। और एक नई सीरीज़ मिलने की जो खुशी होती है ये मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। मैं ऑलरेडी सोनिक एक्स का लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा था और डोरेमोन का आना मतलब सोने पर सुहागा जैसी बात थी।
अगला सवाल है कि कितना वक्त लगता है एक एपिसोड को डब करने में। देखो एपिसोड डब करने में कभी 10 मिनट भी लगते थे और कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता था एक एपिसोड डब करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है एपिसोड में सुनियों का जो काम है वो किसी किसी में कम होता था, किसी किसी एपिसोड में सुनियो सेंट्रिक एपिसोड होता था जिसके अंदर मेन काम ही सारा सुनियों का होता था। तो इट डिपेंड्स, 10 मिनट भी लगता था और 1 घंटा सवा घंटा टाइप्स भी एक एपिसोड में कभी कभी लग जाता था। एक सवाल जो आप सब मुझसे बार बार पूछते हैं कि नए एपिसोड्स या नई मूवीज कब आएंगी, दोस्तों इसका पता किसी को नहीं होता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नई मूवीज़ का या नए एपिसोड्स का, सिर्फ डोरेमोन का ही नहीं, किसी भी सीरीज़ का पता किसी आर्टिस्ट को नहीं होता। हमें कुछ नहीं पता होता कि कब एपिसोड्स आएंगे, कब मूवीज़ आएंगी। और इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ये, ब्रेकिंग न्यूज़ वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमको पता ही नहीं होता कि कब एपिसोड आने वाला होता है और कब मूवीज़ आने वाली होती है। और दूसरी बात, हमें इजाज़त भी नहीं होती आपको बताने की या किसी को भी बताने की, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। अगला सवाल है, क्या डोरेमोन के सीन्स को कट किया जाता है? मुझे नहीं लगता यार, डोरेमोन एक अच्छी सीरीज़ है और मेरे ख्याल से तो डोरेमोन के किसी एपिसोड को, किसी सीन को कट नहीं किया गया होगा। अगला सवाल है कि मैंने और कौन कौन से चैनल्स के लिए काम किया है। यार मैंने बहुत सारे चैनल्स के लिए काम किया है, हंगामा के लिए, यूटीवी बिंदास, यूटीवी एक्शन, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर के लिए फ़िलहाल मैं बहुत काम कर रहा हूँ, डीडी के लिए मैंने काम किया है, ZQ के लिए मैंने काम किया है, और NDTV गुड टाइम्स के लिए मैंने काम किया है, हिस्ट्री चैनल के लिए मैंने काम किया है। मैंने बहुत काम किया यार, मतलब 16 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है, मुझे गिनती भी नहीं है एक्चुअली कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं, जिसमें हॉलीवुड मूवीज़ भी हैं, जिसमें मैंने मूवीज़ में आवाज़ दी है, बहुत सारी एनिमेशन सीरीज़ मैंने की हैं, बहुत कुछ किया है मैंने इन 16 सालों में। अगला सवाल है, व्हाई मूवीज़ आर नॉट रिलीजिंग इन थिएटर्स? यार ये तो चैनल की अपनी पॉलिसी होती है, चैनल की मर्जी होती है कि वो उस मूवी को थिएटर में रिलीज़ करना चाहते हैं या फिर टीवी पर रिलीज़ करना चाहते हैं। जिसमें चैनल का ज़्यादा फ़ायदा होता है चैनल वो राह को चुनता है। एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया, बहुत लोगों ने पूछा कि डोरेमोन के ओरिजिनल सॉन्ग का सिंगर कौन था। दोस्तों डोरेमोन का ओरिजिनल जो सिंगर था वो एक तो पारुल भटनागर हैं जो शिजुका को आवाज़ देती हैं, और दूसरी हैं पल्लवी जो कि बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स करती हैं। जितना मुझे जानकारी है इन दोनों ने ही डोरेमोन का टाइटल ट्रैक गाया था। उस ट्रैक में आवाज़ देने के लिए मुझे भी ऑफर मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन नहीं था। ये बात है 2005 की, और 2005 में इनफैक्ट जब वो इंसिडेंट हुआ मुझे गाने का मौका नहीं मिल पाया। मैंने पापा से बोला, अपने डैड से मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे फ़ोन चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि आगे फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ उसका, लेकिन मैंने अभी अभी गाना गा दिया और वो गाना आपको बहुत पसंद भी आया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस गाने को इतना प्यार दिया। अगला सवाल है, प्रैंक कॉल्स असली हैं या नकली हैं? अरे यार, प्रैंक कॉल्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल असली हैं, कहीं कहीं पर मैं काट काट के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है जब प्रैंक कॉल, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं किसी किसी प्रैंक कॉल को थोड़ा थोड़ा काट के मैंने उसको एडिट करके आपके सामने पेश किया है, नहीं तो कोई मजाक क्यों करवाना चाहेगा, आप खुद बताइए। तो यस, प्रैंक कॉल्स असली होती हैं। आप लोग अपना नंबर मुझे भेजो, मैं आपको भी प्रैंक कॉल करूंगा, डन। एक सवाल है कि मैं सुनियो को डब कब तक करूंगा? यार देखो, इसका तो कोई भी वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है, ये कम्प्लीटली चैनल के हाथ में है कि वो कब तक किसी भी आर्टिस्ट को यूज़ करना चाहता है, उनसे काम करवाना चाहते हैं। सो इट्स नॉट इन माई हैंड, मेरा बस चले तो, आपको तो पता ही है मैं ही सुनियो हूँ, मेरे अलावा सुनियो कोई हो सकता है क्या? कम ऑन। अगला सवाल है, क्या मैं व्लॉग्स बनाऊंगा? यार प्लान तो है, अगर आप लोग इसी तरह प्यार करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो क्यों नहीं बनाऊंगा यार, बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं आगे। अब तक का डबिंग एक्सपीरियंस, अगला सवाल, बहुत अच्छा यार, मुझे बहुत मज़ा आता है डब करने में। फिलहाल तो सारा काम आजकल घर से ही हो रहा है, जो कि पहले हम लोग स्टूडियो में करते थे, लेकिन हाँ तब भी मज़ा आता था और आज भी मज़ा आता है। अभी थोड़ा काम बढ़ गया है क्योंकि हमें सारा सिस्टम वगैरह सब खुद ही ऑपरेट करना पड़ता है, खुद ही डब करना पड़ता है, तो हाँ थोड़ा काम बढ़ गया, लेकिन मज़ा बहुत आता है। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि जो वेब सीरीज़ होती हैं उनको बाद में डब क्यों किया जाता है? यार ऐसा होता है कि
जब एम्बियंस में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो एम्बियंट नॉइसेस बहुत आती हैं, जैसे गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है, बहुत सारी नॉइसेस होती हैं। इस वजह से उनको बाद में रीडअप किया जाता है मूवीज़ को और सीरीज़ को भी। किसी ने मुझसे कहा नेवर एवर लीव सुनियो। भला मैं सुनियो क्यों छोड़ूंगा, और वैसे भी अब 15 साल हो गए हैं मुझे इस कैरेक्टर को डब करते हुए। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ही सुनियो और मैं ही वजाहत हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर में पूरी तरह मिल चुका हूँ। मैं ही आपका सुनियो था, हूँ और आगे भी रहूँगा। दोस्तों अगला सवाल है कि बाकी सबके डैड्स को क्यों नहीं दिखाया जाता। यार ये तो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, और डोरेमोन का प्लॉट ही कुछ ऐसा है, जितना वो लोग चाहते हैं उन्होंने दिखाया बस। अगला सवाल है कि मैं और क्या प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ अभी। फिलहाल मैं MX प्लेयर के लिए बहुत मेजरली काम कर रहा हूँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ। जो सीरीज़ आप देखते हैं जैसे डोरेमोन और शिनचैन की भी, और बाकी सीरीज़ की भी जो हंगामा पे आई, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। मतलब जो मैं स्क्रिप्ट लिख के देता था वो डबिंग आर्टिस्ट अपने हाथ में लेकर उसी को पढ़ते थे डायलॉग्स को जो मैं लिख कर देता था। तो फिलहाल मैं MX प्लेयर के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बताऊँगा अपने इंस्टाग्राम पर। अगला सवाल है कि मेरा फेवरेट फूड क्या है। यार जो भी प्यार से मुझे खिलाता है मैं वो सब कुछ खा लेता हूँ। आपके घर जब मैं आऊँगा या आपसे जब मैं मिलूँगा तो आप जो चाहें मुझे खिला सकते हैं, मैं खुशी खुशी खा लूँगा, ठीक है। अगली रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। यार मेरा बस चले ना, तो मैं आप सबसे मिलूँ और सबसे मिलकर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एक बार फिर से, क्योंकि आप सब लोग मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं। मतलब मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है शो ऑफ करते हुए कैसा लगता है। यार देखो चाहे रियल लाइफ ही सही, मैं वो एक रईस आदमी का कैरेक्टर जीता तो हूँ, तो हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब सुनियो यहाँ वहाँ घूमता है, पूरी दुनिया में घूमता है, बड़े बड़े महंगे महंगे गैजेट्स को यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। यार आपको मौका मिलेगा तो आपको भी मज़ा आएगा, आई एम श्योर। एक सवाल मुझसे बहुत पूछा जा रहा है कि मैं अपना रिएक्शन दूँ जो बाकी लोग डोरेमोन की पैरोडी कर रहे हैं या डोरेमोन की डबिंग कर रहे हैं, कुछ फ़नी डबिंग। मैंने अभी कुछ खास देखी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आऊँगा जिसमें मैं अपना रिएक्शन आपको दूंगा कि मुझे वो कैसा लगा। अगला सवाल है कि क्या मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट मिलती है। हाँ यार, फैमिली की, फ्रेंड्स की, आपकी, सबकी सपोर्ट मिलती है, और आज से नहीं शुरू से मिलती है, सबकी सपोर्ट रही है, क्योंकि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है, सब नहीं कर सकते, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए सब बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, सब बहुत प्यार भी करते हैं, और सब बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और आपकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। अगला सवाल है कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा सिस्टम है। तो मैं लॉजिक अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट की थी न्यूविंडो से, और मेरे पास सिस्टम जो है वो है एप्पल मैकबुक प्रो है फिलहाल, और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपना सारा सेटअप दिखाऊंगा, डील। अगला सवाल आपने मुझसे पूछा है कि मेरी एजुकेशन क्या है। दोस्तों मैंने मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, और उसके बाद मैंने BBA किया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव डन BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने एक साथ दो डिग्रीज परस्यू की, क्योंकि मेरा मन था कि सबके पास एक डिग्री होती, मैं एक साथ दो डिग्री लूँगा, तो ग्रेजुएशन की मेरे पास दो डिग्रीज हैं। उसके बाद मैंने MBA फिनेंस में किया भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, और मैंने म्यूज़िक में भी मेरे पास डिग्री है, तो काफ़ी पढ़ा लिखा है आपका सुनियो। अगला सवाल है मैं लॉकडाउन में क्या कर रहा हूँ। यार मैं भी आपकी तरह बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमना है, मेरे जो लाइव शोज़ होते हैं हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, वो सब एकदम सबका भट्टा बैठा हुआ है, हम कहीं नहीं जा पा रहे आपकी तरह। मैं भी अपने घर में कैद हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास आप लोगों का सपोर्ट है, तो मैं अपनी बात आप तक किसी ना किसी तरह पहुँचा देता हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है, डोरेमोन का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मेरा सुनियो के अलावा। यार सारे ही लीड कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ डोरेमोन ही नहीं, डोरेमोन, नोबिता और शिजुका, जियान, सुनियो, ये पांचों डोरेमोन के लीड कैरेक्टर्स हैं। एक के भी बिना आपकी ये सीरीज पूरी नहीं हो सकती थी। एक सवाल और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या मैं गेम्स खेलता हूँ। यार मैं गेम्स बचपन में खेलता था, लेकिन अब मैं गेम्स बिल्कुल नहीं खेलता, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं होता, बहुत सारा काम करता हूँ मैं, मेरे पास वक्त नहीं होता गेम्स खेलने का। तो हाँ
पहले खेलता था, अब नहीं खेलता। और सवाल है कि ये डबिंग जो होती है वो कौन करता है? हमारे सामने दोस्तों डबिंग डायरेक्टर होते हैं, साउंड इंजीनियर होते हैं जो सिस्टम पे बैठे होते हैं, और इस तरफ स्टूडियो में आर्टिस्ट होते हैं। जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं जैसे स्टूडियो में ही बैठा हूँ। तो हाँ, ये टीम होती है। सबसे पहले डबिंग को शुरुआत करने वाले, डोरेमोन को शुरू करने वाले जो डायरेक्टर थे उनका नाम है विनीत प्रभु, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊँ। शिनचान और डोरेमोन उन्होंने ही शुरू किया था यहाँ पर। एक सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरा रिलीजन क्या है। यार, मैं सुनियो होने का हुआ हूँ और इंडियन हूँ, आई थिंक दैट्स इनफ। एक सवाल पूछा है किसी ने कि डबिंग करते में मिस्टेक्स होती हैं। हाँ यार, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, और कभी कभी तो ऐसी गाड़ी रुक जाती है किसी एक पॉइंट पर कि वो मिस्टेक हम बार 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 करते रहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है। तो हाँ, ह्यूमन एरर है, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, मिस्टेक्स होती हैं। एक सवाल है, वाई सुनियो इज सो मीन? अरे यार, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर सुनियो मीन ना होता, वो भी डोरेमोन की तरह क्यूट होता और प्यारा होता, तो सोचिए ना सीरीज में मज़ा कैसे आता। तो सुनियो का मीन होना बहुत ज़रूरी था, और सुनियो मीन नहीं होता तो वो आपके साथ इतना इन्जॉय कैसे करता? तो हाँ, ज़रूरी था। एक सवाल है कि क्या मैंने कॉन्सर्ट किए हैं? हाँ यार, मैं 6 साल से मेरा एक बैंड है करीब के नाम से, और हम लोग बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, नंबर भी नहीं है, गिनती भी नहीं है। और हम लोग देश दुनिया में घूमते रहते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए। हम लोग किसी दिन आपके शहर में भी आएंगे। मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं आपको अपडेट करूँगा, क्या पता मैं आपसे वहाँ पर मुलाकात भी कर पाऊँ। एक सवाल है, न्यू एपिसोड्स और मूवीज़ को क्या मैं देखता हूँ डोरेमोन की? यार, हम करते हैं ऑलरेडी डब उसको, तो हम लोग घर पे हम लोग वो एक्साइटमेंट के साथ ऑब्वियसली उसको नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, जब कभी आंखों के सामने आता है तो हम लोग सब ज़रूर देखते हैं। अगला सवाल, बूटा गोरीरा की और कितरेत्सु की वॉइस किसने दी थी? बूटा गोरीरा की वॉइस दी थी नीरज यादव ने, और कितरेत्सु की आवाज़ शायद दीपा जी ने दी थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो एक लेडी हैं जिन्होंने आवाज़ दी थी। बहुत साल हो गए कितरेत्सु किए हुए। एक सवाल है, कैरेक्टर्स विच यू वुड लाइक टू डू? यार, मैं सुपर हीरो का कैरेक्टर को आवाज़ देना मेरा एक ड्रीम है बचपन से, और होपफुली मैं ये ड्रीम पूरा भी करूँगा किसी दिन। सवाल है कि कौन सा गैजेट मैं डोरेमोन से मांगना चाहूँगा? यार, अभी तो मैं ये मांगना चाहूँगा कि प्लीज़ डोरेमोन, किसी गैजेट से ये कोरोना को दूर भगाओ ना, दुनिया से परेशान हो चुकी है पूरी दुनिया कोरोना से, भगा दो इसे बस। एक सवाल पूछा है कि क्या मैं कवर्स ही करता रहूँगा, मैं अपने ओरिजिनल्स क्यों नहीं करता? दोस्तों, बहुत जल्दी मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा। स्टोरी चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलने वाला है। अगला सवाल, फेवरेट IPL टीम और फेवरेट क्रिकेटर। यार, IPL टीम तो देखो, जो अच्छा खेलता है ना, मैं उसके साथ हो जाता हूँ। कभी KKR अच्छी खेलती है तो मैं KKR के साथ हो जाता हूँ, कभी मुंबई अच्छी खेलती है तो मैं मुंबई के साथ हो जाता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर की जहाँ तक बात है, यार, तो मुझे लगता है कि गॉड से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और गॉड है हमारे सचिन तेंदुलकर। सचिन से ऊपर कोई ना कभी था, ना है, और कभी भी नहीं होगा। आई लव सचिन लाइक एनीथिंग। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रैंक कब आने वाला है और क्या मैं प्रैंक करता रहूँगा? हाँ यार, आप लोग प्रैंक्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है प्रैंक्स में, तो मैं प्रैंक्स करता रहूँगा। और इस हफ्ते का प्रैंक जो आकांक्षा के साथ आने वाला है, वो वीकेंड पर आएगा। अगला सवाल है, मेरा निक नेम क्या है और मेरा पेट का नाम क्या है? दोस्तों, मेरा निक नेम, मुझे वज्जी भी बोलते हैं, मुझे वज्जू भी बोलते हैं, और अब तो सुनियो भी बोलते हैं लोग, और बहुत सारे लोग मुझे सुनियो के नाम से भी बुलाते हैं। मेरे पेट का नाम टाइगर है, वो एक जर्मन शेपर्ड है, और मुझे पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक हार्डकोर डॉग लवर हूँ और मुझे पेट्स बहुत पसंद हैं। एक सवाल बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सोनल ने डोरेमोन क्यों छोड़ा और क्या वो कभी वापस आएंगी? दोस्तों, उन्होंने क्यों छोड़ा, इसका जवाब मैं आपको एक शेर के ज़रिए देना चाहता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इसका जवाब असल में उन्होंने क्यों छोड़ा, वो खुद देने वाली हैं आपको बहुत जल्दी। और इसका जवाब कि क्या वो वापस आ सकती हैं, तो हाँ यार, बिल्कुल चांसेस हैं। अगर आप लोग बहुत चैनल से बोलेंगे, आप सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूर हो सकता है कि चैनल उन्हें वापस बुला ले। एक सवाल मुझसे पूछा गया मेरे सिबलिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, हम 4 बहन भाई हैं। मेरी सिस्टर इलाहाबाद में है, मैरिड है, उसका नाम सुम्बुल है।
मेरे ब्रदर्स का नाम फराज है और ओवैस है। फराज बाकलेज में काम करता है और AVP है। मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, विप्रो में काम करता है, उसका नाम ओवैस है। एक सवाल मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा घर फरीदाबाद में भी है। फिलहाल मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। एक सवाल मुझसे पूछा है कि क्या मैं गेमर्स का चैनल कोई बना कर क्या गेमर्स के लिए डब भी कर सकता हूँ। अभी मैंने उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर आप लोग को बहुत पसंद है वो चीज़ तो क्या पता मैं वो भी करूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ टू बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। देखिए, सबसे पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज वाली जगह होनी चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ दोस्तों, और मैं आपको सच बताऊँ कि दिल्ली में भी बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन कंपैरिजन विद मुंबई। मुंबई में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप दिल्ली और मुंबई के अलावा कहीं पर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आपको अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपना बेस मुंबई बनाना पड़ेगा। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको बहुत खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, वॉइसेस को इमिटेट करना पड़ेगा, ऑडिशंस देने पड़ेंगे, फिर प्रोडक्शन हाउसेज में जाके, फिर कहीं जाकर आपको असल में इस कुर्सी पर जहाँ पर आज मैं बैठा हूँ वहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा, जब आपका सिलेक्शन उस रोल के लिए, उस कैरेक्टर के लिए हो जाएगा। एक मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि डोरेमोन देखने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि डोरेमोन इज़ अ गुड सीरीज़, कुछ भी ख़राबी नहीं है डोरेमोन में, बच्चे देखते हैं और इन्जॉय करते हैं मुझे लगता है, तो देखने दीजिए और गैजेट्स के बारे में उनको सीखने दीजिए। एक सवाल है कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, क्या मैंने कहीं से सीखा है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने 5 साल की एज से, जब मुझे ठीक से बात करना भी नहीं आता था, इनफैक्ट 5 साल में तो ऑब्वियसली बच्चा बात करने लगता है, जब मैं बात नहीं कर पाता था मैं तब से म्यूज़िक सीख रहा हूँ, और मैं एक प्रॉपर ट्रेडिशनल म्यूजिकल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हाँ, मैंने बचपन से म्यूज़िक सीखा है। एक सवाल है, वाई यू डोंट ट्राई इन बॉलीवुड। यार मेरे लिए सब कुछ आप हो यार, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वो सब आप हो, आप सपोर्ट करते रहो, मुझे रोकने वाला फिर कोई भी नहीं होगा, आई एम श्योर। एक सवाल है, फेवरेट फुटबॉलर कौन है। यार मेसी और रोनाल्डो, इन दोनों के अलावा, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेमार भी बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मुझे मेरा फेवरेट मेसी और रोनाल्डो है। एक सवाल आपने मुझसे पूछा है कि मेरी डोरेमोन को डब करने से कितनी कमाई होती है, मेरी इनकम क्या है, और YouTube से मेरी इनकम कितनी है। दोस्तों डबिंग का क्या सीन होता है कि अगर आप एक ड्यूरेशन के लिए आते हैं, जैसे छोटा सा कैरेक्टर है उसमें या थोड़ी बहुत लाइंस हैं, तो वो 500-750 इस तरह से स्टार्ट होता है, जो कि 2,000-5,000, जिसकी कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली, तो वहाँ तक जाता है। और जहाँ तक YouTube चैनल की इनकम की बात है, तो दोस्तों अभी तो मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, अभी फ़िलहाल मेरी कोई इनकम नहीं है YouTube से, इनकम होना स्टार्ट होगी। आप पूरे एड्स क्यों नहीं देखते हो, पूरी पूरी वीडियोस देखो, पूरे एड्स देखो, तभी तो मेरे पास पैसे आएंगे। अगला मुझसे सजेशन पूछा है यूट्यूबर्स के लिए, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ओरिजिनल कंटेंट पे काम कीजिए, दूसरों की क्लिप्स को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बाकी सबकी क्लिप्स को यूज़ करेंगे तो आपका वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर्स हों। तो ओरिजिनल कंटेंट पे काम कीजिए और कमाना स्टार्ट कीजिए। एक मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैं आपके YouTube चैनल के लिए इंटरव्यू दूं। तो यार बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, आई एम सो सॉरी, मैं सबको इंटरव्यू नहीं दे सकता, लेकिन आज मैं आपको ये मेरी तरफ से पूरी परमिशन देता हूं कि आप इस क्लिप में से जो भी कंटेंट आप निकाल के यूज़ करना चाहें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आपको परमिशन है, मैं उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करूँगा, आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक मुझसे सवाल पूछा गया कि जब वीडियोस वायरल होती हैं तो मुझे कैसा लगता है। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जो डोरेमोन सॉन्ग की जो मेरी वीडियो है उसको 2 लाख व्यू क्रॉस कर चुके हैं हम लोग उस वीडियो पर, और जो प्रैंक मैंने अभी सोनल के साथ किया था उसको भी 90,000 व्यूज़ अभी तक, वीडियो बनाने तक, क्रॉस हो चुके थे। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है यार, आपके प्यार की और भी ज़रूरत है, हमेशा बढ़ती रहेगी, प्यार देते रहिए। एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है क्या। अब यार एक हो तो बताऊँ ना, बहुत सारी हैं। एक किसी ने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि मैं अपने हेटर्स से क्या कहना चाहूँगा। यार मुझे नहीं लगता कि सुनियों को या डोरेमोन को कोई नफरत कर सकता है, अगर फिर भी आप उसे पसंद नहीं करते तो कोशिश करके देखिए, प्यार हो ही जाएगा।
तो दोस्तों सवालों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर मुझसे कोई सवाल छूट गया हो तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हम फिर से सेशन कर लेंगे, आप अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा। जो मैक्सिमम लोगों ने सवाल पूछे मैंने फ़िलहाल वो लिस्ट तैयार की, करीब 3-4 हज़ार कमेंट्स मैंने देखे, उसके बाद मैंने ये लिस्ट तैयार की। अगर मुझसे सवाल छूट गए हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं फिर से सवाल लेकर आऊँगा और आपके साथ एक लाइव सेशन भी कर लूँगा। तो हम लोग ये सेशन भी बहुत जल्दी करेंगे। ऐसे ही प्यार करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। आपका साथ चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइज, वीकेंड पर मिलते हैं एक प्रैंक कॉल के साथ। बाय।